ऑल राइट गाइस, सो वेलकम टू एक्यूमेन गेट एकेडमी। मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेट के थ्रू एक नई वैकेंसी आई है PSPCL, ठीक है। सो गेट 2024 अगर आपने दिया है तो आपके लिए ये एक वीडियो हो सकता है जो आपको देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया, अभी बहुत देर नहीं हुई है। सो PSPCL यानी पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में गेट 2024 के थ्रू वैकेंसीज आई हैं। कौन सी ब्रांच के लिए हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर इन इलेक्ट्रिकल। तो लेकिन ये वैकेंसी किसके लिए है, ये मैकेनिकल के लिए है। मतलब पोस्ट का नाम भले ही इलेक्ट्रिकल लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है। ये वैकेंसी आई है मैकेनिकल वालों के लिए, ठीक है। वैकेंसीज के टोटल नंबर हमारे 40 हैं, लेकिन अभी मैं दिखाता हूँ आपको। तो 40 नंबर में से कैटेगरी वाइज आपका वैकेंसीज है, कुछ बैकलॉग वैकेंसीज थी, कुछ न्यू वैकेंसीज हैं, उसके हिसाब से आपका ये रिक्रूटमेंट का नोटिस है। तो यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट समझ लेते हैं। सो 19/7/2024 यानी आज 18/7 है, कल आपका इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। और लास्ट डेट है 8/8/2024, ठीक है, 8 अगस्त 2024। और ये वीडियो फिर से मैं बता देता हूँ, अगर आप देख रहे हो और आप पंजाब के नहीं हैं, यानी अगर आपने पंजाबी में पढ़ाई नहीं की है तो भी आपके लिए ये वैलिड नहीं है। ये यहाँ पे एक और क्राइटेरिया है, मैं पहले वही बता देता हूँ ताकि आप में से किसी का भी समय खराब ना हो, ठीक है। सो आइए देखते हैं, यहाँ पे एक बार सीधा नीचे चलते हैं और देखिए, एप्लीकेंट मस्ट प्रोसेस एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड नॉलेज ऑफ पंजाबी। तो यहाँ पे एक और क्राइटेरिया है कि आपको पंजाबी की नॉलेज होना जरूरी है। तो नॉलेज और क्वालिफिकेशन ऑफ पंजाबी, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास पंजाबी ऑफ एटलीस्ट मैट्रिकुलेशन और इस इक्विवेलेंट लेवल, ठीक है। मतलब क्या है कि आपका मैट्रिकुलेशन जो है वो पंजाबी लैंग्वेज में होना चाहिए। अगर मैट्रिकुलेशन आपका पंजाबी लैंग्वेज में नहीं है तो आप इस पोस्ट को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो जितने लोग यहाँ पे अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं और आपका यहाँ पे ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है, तो इस वीडियो को आगे देखने का आपके लिए कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए, अगर आप यहाँ पे इसको वैलिडेट करते हैं तो इस वीडियो को आगे देखिए। सो यहाँ पे क्या आ रहा है, अब देखिए, ये तो हो गया एलिजिबिलिटी की बात, अब वैकेंसीज पे आ जाते हैं सीधे सीधे। सो वैकेंसीज की बात करें तो हमारा देखिए इसमें न्यू पोस्ट बैकलॉग आपका है, पोस्ट रिजर्व फॉर वुमेन आउट ऑफ बैकलॉग, ऐसा करके भी यहाँ पे आपको क्राइटेरिया दिया हुआ है। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी के लिए एक पोजीशन है, ठीक है। बाकी SC के लिए है आपकी पोजीशन, SC के लिए टोटल पोजीशन आपकी बन रही है यहाँ पे 4, 1, 4, 1, 9, 1, 10, ठीक है। 10 में भी थोड़ा सा सब डिवीजन है, ठीक है। जैसे ये क्या होता है, ये होता है एक्स सर्विसमैन, ठीक है। सो एक्स सर्विसमैन का भी हिसाब है। तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग वैकेंसीज हैं और टोटल जो है वो 40 है, ठीक है। टोटल हमारा 40 है और ये स्पोर्ट्स और फ्रीडम फाइटर, FF और फ्रीडम फाइटर। तो स्पोर्ट्स कोटा और फ्रीडम फाइटर्स के लिए भी यहाँ पे 3 वैकेंसीज है। तो गेट वालों के लिए 37 वैकेंसीज है, माइनस जो भी एक्स सर्विसमैन के लिए क्राइटेरिया होगा, ठीक है। जैसे ये अलग अलग लिखा हुआ है, शेड्यूल कास्ट, मजहबी, बाल्मीकि, मतलब ये शेड्यूल कास्ट में भी आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया हुआ है जिनके लिए वैकेंसीज है, ठीक है। और देखिए गेट की एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी पे आ जाते हैं। गेट 2024, सो PSPCL हैज फाइनलाइज मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर गेट बेस 2024, एप्लीकेशन मस्ट इंश्योर। मतलब गेट का जो कट ऑफ था मैकेनिकल में वो यही कट ऑफ था, आपको ये कट ऑफ यहाँ पे क्लियर करना है, ठीक है। मतलब गेट में अगर आपके इससे अधिक मार्क है तो आप भर सकते हैं, लेकिन इसके आसपास मार्क्स हैं, ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा। वैसे तो यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा नहीं होगा, केवल पंजाबी स्टूडेंट्स ही हैं मैक्सिमम यहाँ पे एलिजिबल। तो उसके बाद भी कैटेगरी वाइज भी सिस्टम है, तो उसके अकॉर्डिंग आप भर सकते हो अगर आपको यहाँ पे मिल रहा है तो आपके उसके साथ बैठ रहा है। सो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका क्या है, इसकी हमने बात ही कर ली है। तो गेट मैकेनिकल 2024 केवल वैलिड है, पीछे के ईयर्स के वैलिड नहीं है। मतलब अगर आपने गेट 2023 या 2022 में मार्क्स लाए हैं और आप वहाँ पे क्वालिफाई हो तो गेट स्कोर ऑल्दो 3 साल के लिए वैलिड होता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने उसको एलिजिबल नहीं किया। नॉर्मल PSU में अधिकतर में ऐसा ही करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे BTEC आपका किस में होना चाहिए, मैकेनिकल में होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए नाम इलेक्ट्रिकल कैडर का है, लेकिन यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले ही वैलिड है। तो वैकेंसी की पोस्ट का नाम होगा, डिपार्टमेंट का नाम होगा,
ठीक है, एज लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए? देखिए, डेटेड कैंडिडेट शुड नॉट बी बिलो 18 इयर्स एंड अबव 37 ईयर, मतलब आपकी मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 37 होनी चाहिए, ठीक है। सो जिनकी एज ज़्यादा भी है वो भी यहाँ पे कर सकते हैं, और बाकी एज की रिलैक्सेशन जो नॉर्मली हमारा क्राइटेरिया रहता है हर एक एग्ज़ाम में वो रहता है यहाँ पे, ठीक है। फीस की बात कर लेते हैं, ठीक ठाक फीस ले रहे हैं, 2,360 रुपये आपके टोटल लग जाएंगे, मतलब 2,000 रुपये तो एप्लीकेशन फीस है, 360 रुपये GST है, तो 2,360 रुपये आपके यहाँ पे लगने वाले हैं। तो अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहे हो तो भरने का कोई मतलब नहीं है। कैटेगरी में फीस है आपकी 1,400 + 252, यानी टोटल 1,652, ठीक है। बाकी यहाँ पे कोई खास बात और दी हो? अब ये सब जनरल क्राइटेरिया है, ऐसा हर जगह ही होता है आपका, कि फर्दर इफ टू और मोर कैंडिडेट शैल सिक्योर सेम मार्क्स इन गेट देन देयर फर्दर रिलेटिव मैरिज शैल बी डिटरमाइंड बाय देयर एज वेयर हायर एज कैंडिडेट शैल बी प्लेस्ड एट हायर मेरिट। मतलब क्या है कि अगर किन्हीं दो लोगों के गेट में सेम मार्क्स हैं, ठीक है, तो सेम मार्क्स में सेम मार्क आने पे मतलब एक टाई होता है, तो वहां पे जिसकी एज ज्यादा होती है उसकी मेरिट यहाँ पे मानी जाती है, ठीक है। इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर है हमारे पास देख लेते हैं, तो इसके अलावा तो नहीं लग रहा है, बाकी तो मतलब एक जनरल प्रोसेस है। तो गाइस अगेन बैक टू, सो देखिए एक नई वैकेंसी आई है चैनल पे, जो भी नई वैकेंसीज आती हैं हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी आपको उसके बारे में बताया जा सके। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिए। उम्मीद है कि गेट स्कोर में जिनके कम मार्क्स हैं और इन एलिजिबिलिटी को फुलफिल कर रहे हैं उनके सिलेक्शन के यहाँ पे हाई चांसेस हैं। So with this, thank you very much. Have a good day.